जीएसटी काउंसिल की छठे दौर की बैठक जारी। ड्यूअल कंट्रोल समेत इंटर स्टेट सेल्स और परचेज पर नियंत्रण को लेकर गतिरोध दूर करने की होगी कोशिश। सर्विस टैक्सपेयर्स का नियंत्रण राज्यों को देने के लिए तैयार नहीं केंद्र। साइरस मिस्त्री को सभी कंपनियों से हटाने का टाटा सन्स ने रखा प्रस्ताव। साइरस मिस्त्री पर लगाए कई गंभीर आरोप। स्टेक होल्डर से की साथ देने की अपील। जनधन खातों में डिपॉजिट बढ़ने के बावजूद 23% खातों में जीरो बैलेंस। नोटबंदी के बावजूद नहीं जमा हुआ एक भी पैसा। नोटबंदी के बाद 30 दिन में जनधन खातों में जमा हुए थे 29,000 करोड़। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में लॉ फर्म से 2 करोड़ की नई करेंसी समेत 13.5 करोड़ से ज्यादा की रकम जब्त। कर्नाटक के हुबली में हवाला कारोबारी के बाथरूम से मिला 6 करोड़ से ज्यादा कैश। बहराइच की परिवर्तन रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले धन वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दिया भरोसा। कहा, ईमानदार भारत पाने के लिए देश झेल रहा है कष्ट। मोबाइल फोन से रैली को संबोधित किया। महंगा हो सकता है रेल में सफर। रेलवे की सेफ्टी सेस लगाने की तैयारी। रकम का इस्तेमाल रेल पटरियों को सुधारने और सिग्नल सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए होगा। एक जनवरी से महंगी हो सकती हैं रेनो की गाड़ियां। कंपनी 1.5 से 3% तक बढ़ाएगी दाम। इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला। मुंबई के गोरेगांव में रिहायशी कॉलोनी में प्राइवेट हेलीकॉप्टर क्रैश। 4 लोग घायल, 3 की हालत गंभीर। 1992 में बेकार हो चुके हेलीकॉप्टर को रिपेयर कर चलाने का आरोप। गृहमंत्री राजनाथ सिंह का पाकिस्तान पर बड़ा हमला। कहा, हरकतों से बाज नहीं आया तो खंड खंड हो जाएगा पाकिस्तान।